नमस्कार, मैं मानस मिश्रा ऑनली इनोवेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है पीओके से, जहां पीओके में जो अलगाववादी थे उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक और जम्मू और कश्मीर के तर्ज पर ये सब कुछ हुआ है। तो चलिए आपको लिए चलता हूं खबर की तरफ। और आज आपको ये जो खबर दिखाने जा रहा हूं, याद करिए 370 खत्म होने से पहले मोदी सरकार ने वहां पर क्या कुछ किया था। मोदी सरकार ने अलगाववादियों की कमर रीढ़ तोड़ दी थी। उसके बाद जब अलगाववादी की औकात यानी कि अलगाववादियों को उनकी औकात दिखा दी, सारा फंडिंग रोक दिया, उसके बाद 370 को खत्म कर दिया था और किसी ने छू नहीं कसी। यही कुछ पाकिस्तान के पीओके वाले अलगाववादी संगठनों पर, जो अलगाववादी हैं उन पर सर्जिकल स्ट्राइक और जम्मू और कश्मीर पर ही हुआ, ये पूरा का पूरा तर्ज पर हुआ का पूरा कांड। लिए चलता हूं आपको खबर की तरफ, खबर को पूरी देखिएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिएगा, क्योंकि पीओके हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। और इस पीओके को पाकिस्तान जितने दिन जितने घंटे है उतने वर्ष वो उसके पास अब इस समय बस रह चुका है। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और पाकिस्तान से अगर आप वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, तो आप एक चीज आपकी आंख कान सब कुछ खोल कर देख लो। भारतीय सेना और इस समय की तत्कालीन सरकार जो है वो सरकार पूरी तरह से अब मूड बना चुकी है कि पीओके में भारत को पीओके अब जल्द हम लेके रहेंगे। तो भारतीय सेना ने भी इसका ऐलान कर दिया है। भारतीय सेना प्रमुख ने क्या कुछ कहा वो भी इस वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत करता हूं उस वीडियो के एक खबर से, जहां जम्मू कश्मीर के मतलब पीओके के नियंत्रण रेखे पर एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। सेना का बयान आया इसको लेकर के, आखिर घुसपैठिया है कौन और पीओके यानी पाकिस्तान से इसको लेकर के यहां पर वहां पर बातचीत भी की गई है। तो चलिए पहले इस खबर को दिखाता हूं कि आखिर क्या हुआ, उसके बाद लिए चलता हूं सर्जिकल स्ट्राइक वाली खबर को। पुंछ जिले के नियंत्रण रेखा पार करते के भारतीय क्षेत्र में एक पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पीओके का 20 वर्षीय युवक जो था वो सेना के जवानों के हत्थे चढ़ गया और उसको हिरासत में लिया गया है। यहां साहब ये जो खबर आ रही है ये पुंछ जिले के एलओसी बॉर्डर की है। अधिकारियों ने बताया कि किरनी सेक्टर के में मोहम्मद जाहिद नामक एक व्यक्ति ने सेना को ने देखा और उसे तत्काल हिरासत में लिया। जाहिद फतेहपुर गांव का वहां का रहने वाला है। अब इसको लेकर के पूछताछ जारी है, अभी किसी प्रकार के कोई संदिग्ध हथियार या कोई चीज तो बरामद नहीं हुआ, लेकिन पुलिस को थोड़ा संदेह है, सेना को संदेह है। उस संदेह को सेना पुष्टि करने के बाद यहां से, क्योंकि पाकिस्तान को से भी इसके लिए संपर्क साधा गया है, रक्षा प्रवक्ता ने पीओके के एक युवक को जो हिरासत में लिया है उसको लेकर के पाकिस्तान से भी बात की जा रही है और उस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर वाकई में आतंकवादी है या कोई पाकिस्तानी नागरिक है। क्योंकि अगर वो आतंकवादी होगा तो पाकिस्तान उसे लेने से तो साफ इनकार कर देगा और वो कहेगा हमारा आतंकवादी नहीं है, ये हमारा हमारे यहाँ का व्यक्ति नहीं है, ये कोई और है, घुसपैठिया जो भी है ये हमारे यहाँ का व्यक्ति नहीं है। चलिए अब ये चलता हूँ आपको पीओके के अलगाववादियों की सर्जिकल स्ट्राइक वाली खबर पर। पाकिस्तान तथा उसके कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के नेताओं की चुप्पी से नाराज अलगाववादी समूहों के धड़े पर जम्मू कश्मीर की समस्या पैदा करने वाली कोशिश जो कर रहे हैं, और सीमा पार से मीरवाइज फारूक तथा अब्दुल गनी लोन की पूर्णतिथि के अवसर पर बंद और हड़ताल का आह्वान कर रहे हैं। अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी है, दोनों नेताओं की पूर्णतिथि शुक्रवार को पड़ेगी। फारूक और लोन की प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में बढ़ती बंदूक संस्कृति का विरोध करने पर 1990 और 2002 में हत्या कर दी गई थी। दोनों को शांतिपूर्व तरीकों से दीर्घकालिक समाधान का हिमायती माना जा रहा है। केंद्र शासित देश के घटनाक्रम पर और सीमा पार से आतंकवादियों तथा अलगाववादियों की गतिविधि पर नजर रख रहे अधिकारियों का कहना है कि आवामी एक्शन कमेटी यानी AAC जो है द्वारा लोगों से कोविड-19 के दौरान घरों में मीरवाइज फारूक के लिए दुआएं करने को कहा गया है। यानी कि भारतीय सेना और भारत के अधिकारी उन अलगाववादी नेताओं के और उन लोगों के वहां पर उनके
संपर्क साधे में जुड़े हुए हैं कि जहां हम पहले इनसे संपर्क साध के ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं पीओके में, उनकी कमर तोड़ी जाए। और अब वही शुरू हुआ है ये सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा खेल। एएपी के प्रमुख जो हैं वो है उमर फारूक, जो कि मीर वाइज फारूक के बेटे हैं, जिसकी हत्या 2002 में हो गई थी। हालांकि प्रदर्शन और हड़ताल नहीं करने के रवैये से नाराज होते हुए पीओके के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नरमपंथी धड़े ने आज एक बयान जारी कर पूरी तरह से बंद करने और प्रदर्शन करने की अपील भी की है। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी आयकर विभाग, राष्ट्रीय अन्वेषण अभियान एनआईए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय ने सिलसिलेवार छापों के बाद से ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। एजेंसियों ने उन्हें धन जुटाने के तरीके पर भी सवाल खड़े किए हैं। दूसरे स्तर पर नेताओं पर भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के मामले में दर्ज भी किए गए हैं। मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा जब जम्मू कश्मीर में 370 खत्म किया गया था, उससे पहले अलगाववादियों पर ईडी के छापे, सीबीआई के पूरी तरह से, और जो बाहर से आतंकवादी फंडिंग थी उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया गया, राजनीति को तोड़ा गया। अब यही कुछ पीओके में भी सब चीज करने के आप पूरी तरह से ये सब प्लानिंग चल रही है और इसी पर काम चल रहा है। मैं आपको बता दूं, मीरवाइज फारूकी 21 मई 1990 को तीन आतंकवादी को ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन के तत्कालीन तथाकथित कमांडर अब्दुल्ला बागरू ने इसकी साजिश रची थी। साल 2002 में इसी दिन अब्दुल गनी लोन को भी एक ईदगाह में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि वह फारूक मीरवाइज को श्रद्धांजलि देने वहां पर जा रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक दोनों नेताओं की हत्या, यह बात सामने आती है कि दोनों चाहते थे कि पाकिस्तान घाटी में आतंकवादी संगठनों को मदद करना बंद कर दें। अधिकारियों ने जांच के हवाले से कहा कि लोन ने साल 2000 में आखिर में एक बैठक में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से साफ कहा था कि इस्लामाबाद को कश्मीर में आतंकी घटनाओं को हथियार बना देना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लोन अपने अपनी हत्या के पहले दुबई के में पाकिस्तान सरकार और आईएसआई को संकेत दिया था कि 2002 में होने वाली विधानसभा चुनाव में भाग लेंगे। हालांकि जब तक वह इस बाबत की घोषणा करते आतंकवादियों ने उन्हें मार दिया था। अधिकारियों के अनुसार लोन के पाकिस्तान सरकार का आईएसआई के साथ मतभेद ही इस्लामाबाद की कश्मीर नीति को बड़ी अड़चन थे और जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए नरम रुख उनकी हत्या का वजह बना है। उन्होंने कहा कि इस हत्या को अन्य कश्मीरी नेताओं के लिए चेतावनी के तौर पर देखा गया है और वे प्रक्रिया जो चुनावी प्रक्रिया कराने के लिए विचार को नहीं माने हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल गनी भट्ट ने एक मीडिया साक्षात्कार में कहा था कि लोन साहब मीरवाइज फारूक को सेना या पुलिस ने नहीं मारा था, उन्हें हमारे अपने लोगों ने निशाना बनाया था। भट्ट के भाई के आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये जो खबर मैंने आपके सामने दिखाई है, ये वाकई में पीओके में अलगाववादियों पर जो सर्जिकल स्ट्राइक है, ये जम्मू एंड कश्मीर की तर्ज पर ही अब होगा। और ये अलगाववादी और ये जो कुछ लोग हैं जो पीओके में भी हैं और जो भारत की जो मदद कर सकते हैं, भारत के साथ आएंगे, जो भारत के खिलाफ जा रहे हैं, उनको भारत बिल्कुल वही डोज देगा जो 370 खत्म करने से पहले भारत में बैठे टुकड़े टुकड़े गैंग अलगाववादियों और जो पाकिस्तान से समर्थित लोग थे, फंडिंग लेकर अपने अकाउंट में डालते थे और उससे पत्थरबाजी कराते थे। कुछ यही खेल अब पीओके में भी खेला जा रहा है और इसी खेल से भारत का पीओके होके रहेगा। पाकिस्तान अब एक बार फिर से वो जो 1947 में जो गलतियां की गई थी नेहरू या किसी के द्वारा, जिसके द्वारा भी की गई हों, आप पुराने इतिहास में जाना कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उन गलतियों को तो अब सुधारा लिया जाएगा और चीन की भी औकात आ जाएगी कि सीपेक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है चीन का, वो बर्बाद हो जाएगा, जिससे चीन बर्बाद हो जाएगा और भारत विश्व शक्ति बनकर उभरेगा। इस वीडियो को यहाँ खत्म करूंगा, अनुरोध करूंगा वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, बने रहें ऑनलाइन न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज़ ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब
हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।